हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट बॉर्डर पर रिपोर्टर। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर आतंकियों की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। लश्कर ए तैयबा ने जम्मू कश्मीर में बॉर्डर के पास आतंकवादियों के लिए लॉन्च पैड बनाए हैं। दहशतगर्दों के लॉन्च पैड पाकिस्तान की तरफ बॉर्डर के 3 किलोमीटर के अंदर बने हैं। बीएसएफ ने गृह मंत्रालय को सौंपी गई एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों के ऐसे 10 लॉन्च पैड की पहचान भी की गई है। बीएसएफ ने कहा कि इन लॉन्च पैड पर ट्रेंड आतंकियों के ग्रुप मौजूद हैं और भारत में घुसपैठ कर हमला करने की फिराक में हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बॉर्डर पर आतंकियों के कई समूह सक्रिय हैं। आतंकियों की साजिश के इस खुलासे के बाद बॉर्डर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। बॉर्डर का रियलिटी टेस्ट किया इंडिया टीवी संवाददाता ने। आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की ये तस्वीरें इसी महीने की हैं। आतंकियों ने 20 मार्च को जम्मू कश्मीर के कठुआ के राजबाग पुलिस स्टेशन पर, जबकि 21 मार्च को सांबा के आर्मी कैंप पर हमला कर दिया था। इन दोनों हमलों में शामिल आतंकी सीमा पार से घुसपैठ कर भारत की हद में आए थे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि बॉर्डर पर भारतीय जवानों की इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद कैसे सीमा पार से आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ कर लेते हैं। इसे जानने के लिए इंडिया टीवी ने किया बॉर्डर का रियलिटी चेक। जम्मू इलाके में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई करीब 192 किलोमीटर है, जो कठुआ से अखनूर तक जाती है, और सीमा पर जम्मू से पाकिस्तान को जाने वाले करीब 2 दर्जन छोटे बड़े नाले हैं, जो आतंकियों के लिए घुसपैठ में मददगार साबित होते हैं। इंडिया टीवी की टीम ने इनमें से कुछ नालों पर बीएसएफ की सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। आए दिन इलाके में सीमा पार से फायरिंग होती रहती है, ऐसे में इस पूरे इलाके की हकीकत को जानने के लिए हमारी टीम निकली तो सबसे पहले इंडिया टीवी की टीम को भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी पड़ी। इस वक्त हम मौजूद हैं पहाड़पुर इलाके में, और इस इलाके में जो नाले पड़ते हैं वो सबसे ज्यादा मददगार साबित होते हैं इन आतंकवादियों को घुसपैठ कराने में। तो इन नालों पे आखिरकार क्या उनको मदद मिलती है ताकि वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर पाते हैं, और इन नालों पर किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम बीएसएफ ने कर रखे हैं, इसका जायजा लेने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ से आगे निकलने के लिए हमें फिलहाल इस बख्तरबंद गाड़ी के सहारे जो है आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीमा के उस पार जो दुश्मन है वो लगातार इस ताक में बैठा है कि कोई भी मूवमेंट उसको नजर आती है वो फायर कर देता है। तो अपनी सेफ्टी और अपने जवानों की सेफ्टी को देखते हुए फिलहाल हम इस बख्तरबंद, जो बीएसएफ का अर्जुन बख्तरबंद है, इसके सहारे हम आगे निकलेंगे। इस वक्त इंडिया टीवी का कैमरा बीएसएफ की बख्तरबंद गाड़ी में है, और यहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद फोग नाले की। इंडिया टीवी की टीम इस समय बीएसएफ के बख्तरबंद व्हीकल के सहारे, जो गाड़ी है उसके सहारे हम फॉग नाला की तरफ, जो बॉर्डर पर बना हुआ, जो बॉर्डर पर बॉर्डर तक जाता है, उस नाले तक हम जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पीछे आप मेरा जो पानी देख सकते हैं, ये उसी नाला, वो नाला जो है जो NH-44 से होता हुआ पाकिस्तान बॉर्डर तक जाता है, और यही नाले जो हैं, इसी तरह के जो नाले हैं वो कहीं ना कहीं घुसपैठ के लिए काफी ज्यादा मददगार होते हैं। बीएसएफ की बख्तरबंद गाड़ी के जरिए जब इंडिया टीवी की टीम फोग नाले के पास पहुंची तो नालों के दोनों ओर बीएसएफ के पुख्ता सुरक्षा इंतजाम दिखे। नाले में पानी के भीतर तारों का जाल बिछाया गया था, जिससे आतंकी किसी भी सूरत में भारतीय सीमा में घुसपैठ ना कर सकें। बीएसएफ के जवान भी लगातार नालों के आसपास मुस्तैदी से गश्ती कर रहे थे, साथ ही दुश्मनों की हरकत पर सर्विलांस डिवाइस के जरिए नजर रखी जा रही थी।
इंडिया टीवी की टीम इस समय पहुंच चुकी है फॉग नाले पर, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहता है। और ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे जो पानी बह रहा है ये है फॉग नाला। और माना जाता है कि ये जो नाले हैं, तकरीबन 2 दर्जन इस तरह के नाले भारत पाकिस्तान सीमा पर जो हैं वो बह रहे हैं, और इन्हीं की मदद से जो है आतंकवादी अक्सर जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं। तो ये एक पोस्ट आप देख सकते हैं जो बीएसएफ की बनी हुई है, और इसके बिल्कुल सामने नाले के इस तरफ मैं बात करूं तो यहाँ दूसरी पोस्ट आप देखेंगे, ये बीएसएफ की पोस्ट है। यहाँ 2400 घंटे सर्विलेंस डिवाइसेस के मदद से इस नाले पर निगरानी रखी जाती है। तरह तरह के डिवाइसेस यहाँ पर 2400 घंटे जो है आने जाने वालों की रिकॉर्डिंग करते हैं। और इन दोनों नालों के बीच में अगर मैं देखूं तो ये सामने आप पाकिस्तान का टावर देख सकते हैं, पाकिस्तान की पोस्ट है ये, और यहाँ से जो है वो इस पूरे इलाके के अंदर निगरानी करते हैं। इंडिया टीवी की टीम शाप नाला भी पहुंची। ये बेहद संवेदनशील नाला है। बताया जाता है कि हाल में कठुआ और सांबा में हुए आतंकी हमलों में आतंकवादी इसी नाले के जरिए भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। भारत पाकिस्तान सीमा पर फॉग नाले पर बीएसएफ की तैयारी का जायजा लेने के बाद इंडिया टीवी की टीम इस समय पहुंची है शाप नाले पर, और बीएसएफ की पेट्रोल टुकड़ी की परमिशन के बाद हम इस गेट के अंदर जा रहे हैं, जहां पर जो है पूरी तरह से शॉप नाले पर जो है वो यहां पर जो है सुरक्षा के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। जहां से शॉप नाला बहता है वहां पर मैदानी इलाका खत्म होकर पहाड़ी इलाके की शुरुआत होती है, और ये नाला जम्मू के कठुआ से होते हुए पाकिस्तान की ओर जाता है, और इसी नाले की आड़ में आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश में लगे रहते हैं। और घुसपैठ के लिए रात का वक्त कैसे मुफीद होता है, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह बॉर्डर पर आतंकी भारत में घुसने की साजिश रच रहे हैं। रात का वक्त आतंकियों के घुसपैठ के लिए मुफीद समय होता है। इंडिया टीवी की टीम पहुंची ऐसे ही एक बंकर में, जहां रात में बीएसएफ के जवान मुस्तैद थे। फोग और शाप नाले पर शाम ढलते ही बीएसएफ के जवान चौकस हो जाते हैं। ज्यादातर मामलों में आतंकी रात के वक्त ही घुसपैठ करते हैं। ये तस्वीरें पिछले साल की हैं, जब सेना ने नाइट विजन कैमरे और थर्मल इमेजर की मदद से आतंकियों की घुसपैठ की तस्वीरें कैद की थी। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे रात में आतंकी सरहद पार करके भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद रात के वक्त इन इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई। बॉर्डर के कटीले तारों के आसपास हाई मास्ट लाइट की रोशनी में ये जवान हथियारों के साथ हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। कहीं भी कोई हरकत होती है ये जवान तुरंत मोर्चा संभाल लेते हैं। देखिए नाले पर बनी इस पुलिया से गुजर रहे जवानों ने कोई हरकत महसूस की और किस तरह इन्होंने दौड़ते हुए मोर्चा संभाल लिया। तस्वीरें सरहद से सटे बंकर की हैं। देखिए किस तरह ये जवान अपने हथियारों के साथ पूरी मुस्तैदी से हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं, और उनकी एक उंगली हमेशा बंदूक के ट्रिगर पर है। शाम ढलते ही अंधेरा होते ही पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ नापाक मंसूबे को अंजाम देने की कवायद शुरू हो जाती है, और ऐसे में भारत पाकिस्तान सीमा पर जीरो लाइन पर तैनात बीएसएफ की ये बहादुर जवान दिन रात मुस्तैदी के साथ अपनी देश के सीमा की रक्षा करते हैं। सर्विलेंस डिवाइसेस भी इस पूरे पोस्टों पर लगी हुई हैं, लेकिन जो जवान की नज़रें सीमा पर काम करती हैं उनसे बचकर किसी का भी निकलना बेहद मुश्किल होता है। इन बंकरों में जहां 24 घंटे मुस्तैद रहकर ये जवान दुश्मनों से लोहा लेने हमेशा तैयार रहते हैं, उनके सामने है पाकिस्तान का गांव मशहूर बड़ा भाई, जहां भारत का सबसे बड़ा दुश्मन हाफिज सईद आए दिन आकर तहरीर करता है।